खबर मऊगंज से, जहां सूबे में भाजपा की सरकार है। मऊगंज में भी भाजपा के ही विधायक हैं और महादेवन मंदिर भी मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में ही है। बावजूद इसके मोहन यादव की सरकार में कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में वंदे मातरम की जगह पाकिस्तान जिंदाबाद और अल्लाह अकबर के नारे लगते हुए मुस्लिम समाज के लोगों ने पत्थर बरसाए। तो फिर सवाल यह है कि क्या हिंदुओं को अब देश छोड़ देना चाहिए? इस तरह से आरोप अब मऊगंज के भाजपा के पदाधिकारियों ने लगाए हैं। क्या यह प्रशासन की घोर नाकामी है? मीडिया को दिए बयान में विधायक ने कहा कि कलेक्टर का तथा कथित पीआरओ उनकी तरफ से वर्जन सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा था। जो बात कलेक्टर नहीं कह सकते थे वह उसके जरिए कहलवा रहे थे। उसने अनशन पर बैठे समाज के लोगों को नशाखोर, धूर्त और पाखंडी कहा है। विधायक ने आरोप लगाया कि इस अनशन से कलेक्टर को कोई लेना देना नहीं था, वह अपने तथाकथित पीआरओ से रिपोर्टिंग ले रहे थे। उन्होंने सवाल उठाया, दो दिन तक कलेक्टर और एसपी क्यों नहीं गए? विधायक ने कहा, अनशन का नेतृत्व हिंदू समाज कर रहा था जो हमारे आने से पहले से शुरू था। हम तो आज आए और इसके बाद प्रशासन उठाकर एक हाल में बंद कर दिया। वहीं हिंदू नेता संतोष तिवारी ने भी मीडिया से कहा कि हमें बलपूर्वक जबरदस्ती हटाया गया, वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। संतोष ने राजू सिंह सेंगर पर आरोप लगाते हुए बोला कि वह कलेक्टर का एजेंट है, उसके खिलाफ मुकदमा कायम कराएंगे। इस घटना के जिम्मेदार संतोष तिवारी ने कलेक्टर एएसपी अनुराग पांडे और राजू सिंह को ठहराया है। सर को बता दिए ना, पूरे किसको बैठाया गया? माहौल को दबाना चाहते हैं। कौन बैठाया है? अरे पुलिस बैठा लेंगे तो हम शांति से अपना माहौल दबा देंगे। विधायक जी को कौन बैठा गया है? सिर में चोट लगी। पत्थर मारे, पत्थर कौन लोग मारे? भारत का खाते है, पाकिस्तान का नारा देते हैं। नारा यहाँ लगता है पाकिस्तान का, खाते भारत का है। जय श्री राम। तस्वीरें हैं जहां विधायक को जेल ले जाया जा रहा है। यहां से जेल नहीं ले जा रहा है, सेफ्टी में, उनको सेफ्टी सुरक्षित स्थान में ले जाया जाता है। ये सब फंसा के भगे जा रहा है गाड़ी से। Thank you.
संदेशा मेरे को मिल गया है, वो एक जिससे आपने भिजवाया संदेशा राजीव सिंह के माध्यम से संदेशा मुझे मिल गया है। नहीं नहीं, उसने मीडिया के माध्यम से उसने वो लिख करके दे दिया कि कलेक्टर साहब ने बोला है कि धूर्त लोग, ये लोग, वो लोग बैठे हैं, वो मेरे को मिल गया है संदेशा। सर अब ये कोई कुछ क्या कहे? नहीं नहीं, वो कोई कुछ नहीं कहेगा, आप मुझे मालूम है, आपका पीआरओ है, उसने जो बोला वो संदेशा मुझे मिल गया। आपका पीआरओ है, आपके मुंह से कई बार बोला गया, इसको मैं बुलाता हूँ, इसलिए मुझे संदेशा मिल गया है। उसने जो जो बोला है कहा है भाई, मेरी मोबाइल में क्या क्या बोला है, किसी के पास मोबाइल जी जी है। अब क्या स्थिति है यहाँ पर? स्थिति ये हुई है, इन्होंने बोला कि 2-3-4 दिन के हमको टाइम दे दीजिए और आप लोग यहाँ से धरना 144 लगा दें, कलेक्टर साहब का कहना है, हम एक एक कार्रवाई करेंगे और ऐसा कुछ नहीं, हम बाउंड्री भी तोड़ेंगे, घर भी तोड़ेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा और हम लोग जितनी आप लोगों को मनसा पूरी जमीन खाली करा के देंगे। आईजी मानिए कहना है, आईजी साहब का भी कहना है, डीआईजी साहब का भी कहना है, एसपी साहब का, कलेक्टर साहब का कहना है, सबका कहना है। तो अब कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग जा रहे हैं, माननीय विधायक जी रीवा में है तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं जी। तो 3 दिवस का मौका दे रहे हैं आप? हम 3 दिवस के बाद अगर नहीं करेंगे तो हम लोग फिर से बैठ जाएंगे सर। भाइयों से है कि हर जगह जाके अपने हिंदुत्व की बात करें, जिस तरह से पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं, हम बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए हमें बटना नहीं है। सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है, इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है और जो भी नई डिजाइन लॉन्च होती है वो सारी डिजाइने हमारे पास अवेलेबल होती है। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97-52-54-27-64 या फिर 83-19-31-79-64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076-62-40-70-64।